So I hope you remember that last time we discussed about the cycle having the friction act on the front tire and the back tire. I mean, and in fact, we didn't even discuss, and I just asked a question last time. So if we have a cycle per se, and so essentially we're asking the question of the direction of the friction on the back tire and the front tire. तो वहाँ हमने देखा कि इसका जो friction point है, ये दो point है जो tire और road के बीच में friction होगा, ये दो point पे. तो इसको हमने A कहा था और इसको हमने B कहा था. तो प्रश्न ये था कि आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर का रोड सरफेस के साथ फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा. तो आपने इसके ऊपर जम के सोचा तो होगा, और अभी हम लोग इसके ऊपर जरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हो सकता है. तो पहले चीज, हम जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी उसको थोड़ा आसान बना सकते हैं. तो पहली बात है कि दो टायर है, तो उन टायर में से अभी किसी एक टायर को चुनिए जो आपको लगता है कि आसान है सोचना उसके बारे में. तो पहले हम देखें कि जो बी टायर है, जो पीछे वाला टायर है और पॉइंट बी है, उसको उसके बारे में सोचने उसके वह थोड़ा इजी वाला है, क्योंकि हम इसको घुमा रहे हैं. ठीक है, तो जब हम पेडल से घुमाते हैं, मानो ये पेडल को हम लोग आगे की तरफ उसको धक्का देते हैं हमारे पैर से, तो हम देखें कि जैसे ये चेन आगे जाएगी वैसे ये शाफ्ट आगे जाएगा और फिर वो टायर को इस तरफ खींचेगा. जो व्हील है वो पीछे की तरफ जाएगी, और आपने तो पढ़ा रहेगा कि फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन. फिर से दोहराता हूं मैं, फ्रिक्शन opposes relative motion. और रिलेटिव ये चीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है. रिलेटिव का मतलब ये नहीं कि आपके रिलेटिव के साथ आप फ्रिक्शन करते हैं, हालांकि वो भी होते रहती है. थोड़ी तो फ्रिक्शन मजेदार चीज है, पर जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन उससे तो आग लग जाती है. एनीवे, तो उसके लिए हमको फ्रिक्शन को काबू में रखना चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए. ठीक है, वो डिस्कशन हम कभी और करते हैं. दूसरी बात है कि यहां फ्रिक्शन कहां हो सकता है, जहां भी रिलेटिव मोशन को अपोज करने की क्षमता है, राइट. तो वो पॉइंट ये वाला है रोड के साथ, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे व्हील में एक ही पॉइंट है जो रोड के कांटेक्ट में है. कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये भी कांटेक्ट पॉइंट ही है. ए टायर, आगे वाले टायर को थोड़े समय बाद आते हैं हम. एनीवे, तो ये टायर तो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, अभी फ्रिक्शन उसके लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन उसे फिर अपोज करेगा. क्यों अपोज करेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन होने वाला है इसके बारे में, एंड देन उसके वजह से ये फ्रिक्शन अपोज करता है और फिर ये आगे रोल होता है. इसको कहते हैं रोलिंग मोशन. ठीक है, रोल, रोलिंग मोशन.
अभी ये रोलिंग मोशन में ये जो पॉइंट है वो स्टेशनरी रहता है मोमेंटरली, फिर उसके बाद ये पॉइंट स्टेशनरी रहता है, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर वैसे टायर आगे जाती है। ठीक है, आप जरूर आपकी साइकिल के ऊपर ये ट्राई करके देखिए, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। और हमारा जो वेबसाइट है www.handsonlearning.com या फेसबुक के ऊपर भी आप आपके जो जो भी प्रतिक्रिया है और कमेंट्स है और आपने जो वीडियोस ट्राई आउट किए हैं वो सब आप हमें भेज सकते हैं और हम उसको डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट मैं नीचे लिंक में दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि पीछे का तो टायर हो गया, अभी आगे चलते हैं जरा जिंदगी में। ठीक है, तो आगे का टायर जो है वो एक्चुअली बहुत ही मजेदार चीज है। तो आप, मैं चाहूंगा कि अभी आप ये वीडियो को जरा पॉज करिए और 2 मिनट सोचिए। ठीक है, आशा है कि आपने इसके बारे में जरूर सोचा रहेगा। और मैं दोहराना चाहूंगा कि यहाँ एक थॉट प्रोसेस या एक विचारधारा यूजफुल होती है, वो है कॉज एंड इफेक्ट की। कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कोई भी चीज के पीछे कारण क्या है, तो वो होगी कॉज एंड इफेक्ट। तो यहां कॉज कौन सा है और इफेक्ट क्या है वो देखने वाली चीज है। तो यहां हम लोग उसको फोर्स कैसे दे रहे हैं, हम लोग ये जो रॉड है उसके थ्रू उसको फोर्स लग रहा है, ये टायर को, आगे वाले टायर को, और आगे वाले टायर को हम लोग आगे धक्का दे रहे हैं, जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा अपने व्हील वाले खिलौने के साथ खेलता है, तो उसको वो आगे धक्का देता है ऐसे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं रहती थी तो ये जो पॉइंट है ये आगे स्लाइड होता था। तो उसका मतलब है कि टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन फॉर पॉइंट ए इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी अगर रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। तो उस वजह से साइकिल के आगे के टायर में फ्रिक्शन जो है वो पीछे के डायरेक्शन में एक्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें, हम कहेंगे फ्रिक्शन एफ ए, एंड ये वाला फ्रिक्शन है एफ बी। ठीक है, और अभी हमारे एफ बी को आप जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।